सो इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप विंग्स के ईयरबड्स को इसके ऐप के साथ कनेक्ट करके कंप्लीट एक एक फीचर्स किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स जो है आपको इसके ऐप में देखने के लिए मिल जाता है, इसी के बारे में कंप्लीट इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो कर दीजिए लाइक। तो चलिए कनेक्ट करके देखते हैं एप्लीकेशन को कंप्लीट कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं विंग्स के ईयरबड्स को कैसे विंग्स के ऐप के साथ कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले ये देखना जरूरी है बिना कनेक्ट किए क्या कैसे काम करता है, उसके बाद ही वो समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं एंड निकालने के बाद देख सकते हो, इसको यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ईयरबड्स को निकाल लेना है। निकालने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैनुअली आप भी ऑन कर सकते हो, जैसे अगर प्रेस करके रखोगे 5 सेकंड तक तो ये जो है मैनुअली ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर ऑन नहीं होता है तो मैनुअली ऑन कर लेना है एंड सिंपली आप ब्लूटूथ में आके एंड यहाँ से आपको सर्च करना है एंड सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाएगा। तो ऐसा रिफ्रेश करता हूँ मैं एंड यहाँ पे देख सकते हो फैंटम 800 आ गया। इस पर क्लिक करने से जो है जस्ट ये कनेक्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से पेयर कर देना है, ठीक है। अभी देख सकते हो यहाँ पे कनेक्टेड हो गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सपोज यहाँ पे एक वीडियो चल रहा है, ठीक है। एंड अगर इस वीडियो को मुझे प्ले एंड अगर सबसे पहले बात करें अगर वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है तो जो राइट ईयरबड्स है, सो यहाँ पे देख सकते हो ये लेफ्ट ईयरबड है, लेफ्ट ईयरबड पे अगर मैं प्रेस करूँगा तो वॉल्यूम जो है डिक्रीज होगा, कम होगा। सो देख सकते हो वॉल्यूम कम हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। एंड अगर मैं राइट ईयरबड्स पर एक बार प्रेस करूँगा सिंगल टैप तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। एंड किसी भी ईयरबड्स पे अगर मैं डबल टैप करूँगा तो जो है सॉन्ग जो भी वीडियो है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड किसी भी ईयरबड्स पे अगर मैं डबल टैप करूँगा कुछ इस तरीके से देन जो है वो प्ले सॉन्ग या फिर जो वीडियो है वो पॉज हो जाएगा। एंड अगर हम ट्रिपल टैप करेंगे 1 2 3 देन जो है वो नेक्स्ट सॉन्ग पे चला जाएगा अगर सॉन्ग कोई होगा तो। एंड अगर फिर से 1 2 3 हम टैप करेंगे देन जो है वो प्रीवियस सॉन्ग पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉन्ग में चेंज कर सकते हो। इसी के साथ अगर हम बात करें अगर हम प्रेस करके रखते हैं राइट ईयरबड्स पे 2 सेकंड तक तो देख सकते हो ये राइट ईयरबड्स है यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि। एंड अगर इस पर हम 2 सेकंड तक प्रेस करके रखते हैं तो देन जो है आप गेमिंग मोड एक्टिवेट कर सकते हो, देख सकते हो। एंड फिर से अगर प्रेस करके रखोगे तो ऑफ हो जाएगा। कुछ इस तरीके से गेमिंग मोड को यूज कर सकते हो। एंड वही अगर आप वॉइस असिस्टेंट को ऑन करना है तो लेफ्ट ईयरबड्स पे अगर आप 2 सेकंड तक प्रेस करके रखोगे देन जो है वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे कि आप फोन में देख सकते हो। इस तरीके से कंप्लीट यूज कर सकते हो। एंड कॉलिंग में अगर मैं बता दूं तो सपोज एक बार मैं कॉल करके भी आपको दिखा देता हूँ। सो अगर अभी कॉल आता है, अभी हमने सिर्फ डायरेक्ट कनेक्ट किया है स्मार्टफोन से, ठीक है। एंड अभी अगर कॉल आता है सो देख सकते हो कॉल, सो अभी यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया दूसरे स्मार्टफोन से एंड अभी जो है कॉल आएगा, देख सकते हो कॉल आ गया है। एंड कॉल को अगर रिसीव करना है तो किसी भी ईयरबड्स पे अगर मैं डबल टैप करूंगा तो कॉल जो है रिसीव हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो कॉल रिसीव हो गया हमारा। एंड वही अगर कॉल को हैंग अप करना है तो किसी भी ईयरबड्स पे अगर मैं डबल टैप करूंगा तो कॉल जो है हैंग अप हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। सो देख सकते हो कुछ इस तरीके से कॉल जो है डिक्लाइन हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ अगर कॉल आता है एंड कॉल को हमें रिसीव ही नहीं करना है, कॉल को हमें रिजेक्ट करना है, तो सपोज मैंने कॉल कर दिया है कॉल आ गया है तो रिजेक्ट करना है तो किसी भी ईयरबड्स पे 2 सेकंड तक प्रेस करके रखूंगा देन जो है कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हो कॉल रिजेक्ट हो गया है। कुछ इस तरीके से जो है कॉलिंग का यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कनेक्ट करके कंप्लीट कैसे यूज़ करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। सो ये विंग सिंक का जो है ऐप है यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ऐप है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरीके से। एंड इस ऐप को ओपन करने से पहले आपको यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एग्री कर देना है एंड एग्री करने के बाद यहाँ से लॉगिन करने के लिए बोलेगा या साइन अप आपको कर लेना है, साइन अप कर लेना है यहाँ से। यहाँ से हमें इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, सो यहाँ से मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इंडिया सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको ईमेल एड्रेस डालना है, ईमेल एड्रेस डालने के बाद आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ से गेट वेरीफिकेशन कोड कर देना है, सो ये मैं कर लेता हूँ। एंड गेट वेरीफिकेशन कोड करने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा तो आपके वेरीफिकेशन जो है एक ओटीपी जाएगा, आप जो भी ईमेल डालेंगे उस ईमेल पे जाके ओटीपी देख के एंड ओटीपी यहाँ पे डाल के आपको जो है वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। सो ओटीपी मैं डाल लेता हूँ। सो देख सकते हो ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई हो गया है। एंड उसके बाद आपको पासवर्ड एक बनाना है जिसमें लेटर्स एंड नंबर जो है मिक्स रहेगा, तो आपको पासवर्ड भी बना लेना है। सो पासवर्ड सेट करने के बाद यहाँ से गो टू द ऐप पे क्लिक कर देना है, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद देख सकते हो यहाँ से आप सेव भी कर सकते हो, यहाँ पे नोट नाउ कर देता हूँ मैं। एंड फाइनली कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा एंड यहाँ से थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस इंक्रीज कर देता हूँ। सो देख सकते हो ब्राइटनेस थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ एंड कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, ठीक है। सो इस तरीके का कुछ ऑप्शन आएगा एंड यहाँ पे देख सकते हो ऐड डिवाइस का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक करना है। ऐड डिवाइस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से लोकेशन का परमिशन मांगेगा आपको, आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये क्लिक करने के बाद ऐसे सर्चिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे देख सकते हो फैंटम 800 तो आ गया है, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मेरा यहाँ पे ऑन है आपको वाईफाई एंड ब्लूटूथ, ये देख सकते हो वाईफाई जो है एंड ब्लूटूथ जो है दोनों आपका ऑन होना चाहिए, तभी जो है ये सर्चिंग में आएगा एंड तभी आप इसको यूज़ कर पाओगे। एंड उसके बाद यहाँ पे सर्चिंग में आ जाएगा, उसके बाद आपको फैंटम 800 पे क्लिक करना है कुछ इस तरीके से।
एंड कुछ इस तरीके से ये जो है कनेक्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। एंड जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो देख सकते हो कुछ इस तरीके का आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से डन कर देंगे। एक और चीज़ बता दो, यहाँ से आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हो, फैंटम 800 से कुछ और भी नेम यहाँ पे रख सकते हो। एंड ये नेम रखने के बाद आपको जो है ब्लूटूथ से जाकर उसको अनपेयर कर देना है एंड फिर से कनेक्ट करना है। जब भी आप नेम चेंज करोगे तो वहाँ पर जो भी आप नेम नया डालोगे वो नेम जो है वहाँ पर शो होगा। कुछ इस तरीके से आप नेम भी कर सकते हो एंड उसके बाद डन कर देना है। एंड डन करने के बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। एंड इस नेम को जो है बाद में भी चेंज कर सकते हो इसके सेटिंग से, जैसे कि मैं बताऊंगा अभी आपको। सो कुछ इस तरीके से देख सकते हो ये जो है कुछ लोडिंग हो रहा है। एंड यहाँ पे 100% होते ही देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा ओपन होगा। एंड ओपन होने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से आप म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो फोन का। अगर यहाँ पे आप प्ले करोगे तो फोन में जो है म्यूजिक प्ले हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक टू प्ले एंड जो है म्यूजिक प्ले हो जाएगा। ठीक, वॉल्यूम भी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो एंड यहाँ से आप सॉन्ग को चेंज भी कर सकते हो। कुछ इस तरीके से यहाँ से यूज़ कर सकते हो। एंड साथ ही बात करें अब मेन जो फीचर्स है वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। सपोज मैंने बताया अंदर से भी आप नेम चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से यहाँ से नेम चेंज कर सकते हो। एंड इसी के साथ अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो राइट ईयरबड्स एंड लेफ्ट ईयरबड्स कितना चार्ज है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड अब बात करें कुछ मज़ेदार फीचर्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टच कंट्रोल्स का फीचर है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देख सकते हो वॉल्यूम यहाँ पे सिंगल टैप करने से क्या होगा। सो राइट ईयरबड्स पे वॉल्यूम माइनस होगा एंड राइट ईयरबड्स पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा एंड लेफ्ट ईयरबड्स पे वॉल्यूम कम होगा, वो यहाँ पे सेट है। यहाँ से अगर मैं राइट ईयरबड्स पे क्लिक करके एंड अगर मैं यहाँ पे कुछ और कर दूँ, जैसे कि प्ले एंड पॉज कर दूँ कि राइट ईयरबड्स पे सिंगल टैप करने से प्ले एंड पॉज हो। सो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ एंड वीडियो प्ले करता हूँ, सो यहाँ से मैंने सेट कर दिया है। सो देख सकते हो एंड सेट करने के बाद यहाँ से अगर मैं आता हूँ एंड अगर राइट ईयरबड्स पे, सॉरी लेफ्ट ईयरबड्स पे, सो हमने कहाँ पे सेट किया, सो आप देख सकते हो हमने लेफ्ट ईयरबड सेट किया प्ले एंड पॉज। तो अगर हम लेफ्ट ईयरबड्स पे अगर मैं क्लिक करूंगा सो देख सकते हो ये लेफ्ट ईयरबड्स है। एंड लेफ्ट ईयरबड्स पे अगर मैं सिंगल टैप अप करूंगा तो देख सकते हो वीडियो जो है प्ले होगा। सो यहाँ से मैं क्लिक कर दूँ लेफ्ट ईयरबड्स पे, सो देख सकते हो वीडियो प्ले हो गया। एंड वहीं अगर मैं फिर से लेफ्ट ईयरबड्स पे सिंगल टैप करूंगा तो वीडियो जो है प्ले हो जाएगा। एंड देख सकते हो फिर से जो क्लिक करूंगा पॉज हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हम कस्टमाइज कर सकते हैं, हमें क्या टच करने से क्या होना चाहिए वो चीज़ हम कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो अभी वीडियो में मैंने लाइव करके दिखाया। इसी के साथ अगर बात करें तो इसको मैं अभी वॉल्यूम माइनस ही रहने देता हूँ। एंड साथ ही बात करें तो डबल टैप करने पे क्या होना चाहिए वो भी यहाँ पे आप, ट्रिपल टैप करने पे, लॉन्ग प्रेस करने पे, राइट ईयरबड्स लेफ्ट ईयरबड्स पे क्या चीज़ ओपन होना चाहिए वो चीज़ें यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो, सेट कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ देखने के लिए मिल जाता है। काफ़ी कम बढ़िया फीचर्स, इंटरेस्टिंग फीचर्स इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। वहीं से आप अगर कोई सेटिंग गड़बड़ हो गया तो फिर से जो है आप इसको यहाँ से रीसेट भी कर सकते हो। इससे आप बैक आते हैं, यहाँ पे EQ मोड्स भी काफ़ी सारे देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे पॉपुलर, रॉक, फॉल, क्लासिक, कंट्री एंड यहाँ पे सॉफ्ट बेस, यहाँ पे सॉफ्ट पिच, ये सारी आपको जो है यहाँ पे इक्वलाइजर जो है यहाँ से आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। एंड इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस, अगर अच्छा बेस देखना है आपको तो सॉफ्ट बेस पे आप यूज़ इट यहाँ पे क्लिक करोगे तो यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पे अगर हम लोकेट द ईयरबड्स पे क्लिक करते हैं तो ये लोकेशन ईयरबड्स का बता देता है। मतलब लोकेशन हम बात करें तो अगर कनेक्टेड रहेगा तभी बताएगा। तो अगर घर वगैरह में, अगर कहीं रूम में आप रख दिए हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये जो है एक साउंड प्रोड्यूस करता है। यहाँ से हम ऑलो करते हैं, ऑलो करने के बाद क्लिक टू प्ले करेंगे। यहाँ से देख सकते हो लोकेशन अभी दिखा रहा है, मतलब हमारे घर में ही है। एंड यहाँ पे क्लिक टू प्ले अगर हम करेंगे कुछ इस तरीके कन्फर्म करेंगे तो यहाँ पे एक साउंड होता है, अगर मैं दिखा दूँ सुना दूँ तो कुछ इस तरीके का साउंड होगा। हालांकि साउंड काफ़ी स्लो है, मेरे ख्याल से और साउंड ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि कहीं भी रखा है तो इतने साउंड का तो नहीं सुनाई देगा। तो कुछ इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो। साथ ही बात करते हो यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो ऑटो शट डाउन टाइमर, आप कितने मिनट बाद, कितने सेकंड, कितने मिनट बाद जो है यहाँ से आपका ईयरबड्स ऑफ हो जाना चाहिए वो चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप 12 आवर्स सेट कर सकते हो, ठीक है, 12 आवर्स तक इसमें आप सेट कर सकते हो, जैसे ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। यहाँ पे आप आवर्स देखने के लिए मिल जाता है एंड यहाँ पे मिनट्स देखने के लिए मिल जाता है। सपोज मुझे यहाँ पे 0 आवर्स एंड यहाँ पे अगर 10 मिनट बाद मैं चाहता हूँ मेरा ईयरबड्स ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए तो यहाँ पे मैं 10 मिनट सेट कर दूंगा। अगर मैं 1 घंटा चाहता हूँ तो यहाँ से मैं 1 घंटा इसको सेट कर दूंगा, 1 घंटे बाद जो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, यहाँ से कन्फर्म कर दूंगा। कुछ इस तरीके से आप जो है ऑटो शट डाउन टाइमर आप लगा सकते हो, काफ़ी अच्छा चीज़ देखने के लिए मिल जाता है। डिवाइस नेम आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से क्लिक करके आप जो है नेम चेंज कर सकते हो, कन्फर्म कर सकते हो। यहाँ पे एक अटेंशन लिखा हुआ है, इसको आपको रीड कर लेना है। वहीं बात करें तो यहाँ पे गेम मोड स्विच, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ से भी आप गेम मोड ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड यहाँ पे ईयरबड्स का जो लाइट पैटर्न है वो भी चेंज कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ से अगर दिखा दूँ सो अभी आप ईयरबड्स देख सकते हो। एंड अगर मैं यहाँ पे ऑफ है एंड यहाँ पे सिंक कर दूंगा तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो लाइटनिंग होगा, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। वहीं और भी यहाँ पे जैसे कि क्विक फ्लैश पे क्लिक कर दूंगा सो कुछ इस तरीके से देख सकते हो, बीच बीच में 1-1 सेकंड पे जो है ये फ्लैश करेगा कुछ इस तरीके से।
और एक फीचर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है ब्रीथ का, यहाँ पे ब्रीथ लाइटनिंग भी है, इसको क्लिक करता हूँ कुछ इस तरीके से लाइटनिंग होगा। सो देख सकते हो, सो यहाँ पे इस तरीके से जो है लाइटनिंग को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड कंप्लीट इसको इस तरीके से आप कनेक्ट करके एंड यूज कर सकते हो। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से फॉलो करके मैसेज करके पूछ सकते हो। एंड एक चीज़ बता दूँ, कोई भी विंग्स का ईयरबड्स आप इस ऐप के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हो, जो ईयरबड्स ऐप को सपोर्ट करता है उसी को आप जो है कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आप उस ईयरबड्स के बॉक्स के भी देख सकते हो, वहाँ भी मेंशन होगा कि ऐप सपोर्ट करता है या नहीं, या फिर यूजर मैनुअल में या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन रहता है कि ये जो है विंग्स का जो ईयरबड्स है वो ऐप को सपोर्ट करता है या नहीं। तो जिसमें ऐप सपोर्ट होगा उसी से जो उसी ईयरबड्स को ऐप से कनेक्ट करके एंड कस्टमाइज एंड यूज कर सकते हो। एंड आई होप ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से फॉलो करके मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।